खैर 718 साल बाद निदा मकर संक्रांति का जो ये संयोग इस बार बन रहा है, कह रहे हैं कि वरदान बरसाने वाला है, क्योंकि ज्योतिषी गणनाएं बता रही हैं कि इस बार मकर संक्रांति पर दान पुण्य जीवन को बदलने वाला है। कैसे, चलिए बताते हैं आपको हमारे इस खास रिपोर्ट में। मकर संक्रांति के जिस संयोग की कल्पना से देवता तक प्रसन्न हो जाते हैं, संक्रांति के जिस संयोग पर सूर्य वरदान बनकर चमकता है, संक्रांति के जिस शुभ मुहूर्त में नदियों का पानी अमृत में बदल जाता है, संक्रांति के जिस संयोग में बड़े से बड़े दुख सुख में बदल जाते हैं, मकर संक्रांति के जिस शुभ संयोग में आपका दिया दान आप पर लक्ष्मी की कृपा बनकर बरसता है, संक्रांति के जिस मुहूर्त में जीवन आनंद से भीग जाता है, पूरे 718 साल बाद मकर संक्रांति का वो संयोग आने वाला है। इस बार मकर संक्रांति का पर्व बेहद खास होने वाला है। यह मकर संक्रांति आपके जीवन में खुशियां लाने वाली है। 718 साल बाद आपके जीवन में खुशियां बनकर बरसने वाली मकर संक्रांति आ रही है। कुछ ज्योतिषीय गणना के मुताबिक इस बार मकर संक्रांति का योग 2 दिन तक रहने वाला है, मतलब मकर संक्रांति का पर्व 2 दिनों तक मनाया जाएगा। लेकिन इस बार की मकर संक्रांति सोमवती मकर संक्रांति होगी, ऐसी संक्रांति जिसके संयोग को शास्त्रों में भी अद्भुत माना गया है। तो ये मकर संक्रांति का जो महासंयोग आया है, इसके बारे में समझते हैं। ये महासंयोग 718 साल बाद आया है, जब धनु राशि में सूर्य रहेंगे और मकर राशि में अपने पुत्र से मिलने के लिए जाएंगे, तो उस दिन सोमवार की संक्रांति है। सोमवार की संक्रांति होने की वजह से इसका नाम दिया गया है सोमवती संक्रांति। इस साल सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी यानी सोमवार को शाम 7:53 पर हो जाएगा और इसी के साथ मकर संक्रांति का पुण्य काल भी लग जाएगा। मान्यता है कि मकर संक्रांति के 6:24 पहले से पुण्य काल शुरू हो जाता है और ये पुण्य काल मकर संक्रांति बीतने के 6:24 तक बना रहता है। क्योंकि इस बार मकर संक्रांति का संयोग सोमवार को पड़ रहा है, इसलिए इस बार पड़ने वाली सोमवती मकर संक्रांति की महिमा अद्भुत होने वाली है। सोमवती संक्रांति को जब सूर्य मकर राशि में जाएंगे शाम को 7:50 पर, तो उसका पुण्य काल 6 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। तो इस बार ये जो अद्भुत संयोग बना है, इसके वजह से सोमवार यानी 14 जनवरी सोमवार को और 15 जनवरी मंगलवार को दोनों दिन ही मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। दरअसल चूंकि स्नान का महत्व है और इस बार चूंकि कुंभ अर्धकुंभ चल रहा है, अर्धकुंभ का महास्नान जो है, गंगा स्नान जो है, शाही स्नान जो है, मकर संक्रांति को होता है, वह 14 तारीख को ही सोमवार को ही सोमवती संक्रांति के अवसर पर दोपहर को 2 बजे से लेकर के और शाम तक रहेगा। मकर संक्रांति को स्नान और दान का भी पर्व कहा जाता है। इस दिन तीर्थों और पवित्र नदियों में स्नान को बेहद फलदायी माना गया है। कहते हैं तिल गुड़ खिचड़ी फल को दान करने से मकर संक्रांति पर पुण्य की अद्भुत प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। लेकिन 718 साल बाद यह संक्रांति जीवन को बदलने वाली साबित होने जा रही है। तो इस तरह से 14 तारीख को 718 साल बाद ये जो महासंयोग बना है, इसके होने से आपके जीवन में पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा, धन दौलत ऐश्वर्य सब मिलेगा, आपकी कठिनाइयां जीवन की सारी दूर होंगी, परेशानियां समस्याएं दूर होंगी और जीवन आपका सुखी होगा। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान तथा गंगा तट पर दान की महिमा खास मान्यता रखती है। इस बार मकर संक्रांति का रंग कुंभ में देखने लायक होगा। कुंभ की शुरुआत मकर संक्रांति के पहले स्नान से होगी। इस दिन संगम प्रयागराज पर तमाम अखाड़ों के संतों की शोभा यात्रा निकलेगी, फिर हर अखाड़े का स्नान होगा। मतलब इस बार मकर संक्रांति के मौके पर कुंभ में आपकी एक डुबकी आपका भाग्य बदल सकती है।